चिकन वाला बना करोड़पति। दिनेश नाम का एक चिकन वाला हुआ करता था। वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का चिकन बेचता था, इसीलिए उस गांव में उसकी छोटी सी दुकान थी, फिर भी कई लोग उसी के पास आकर चिकन खरीदते थे। वही समय एक बड़ा सा व्यापारी उस गांव आया। उस जगह की अच्छे से जांच करने के बाद दिनेश के पास आकर, हेलो मिस्टर दिनेश, मेरे सर्वे में आपका व्यापार बहुत तरक्की कर रहा है, अच्छे लाभ मिल रहे हैं ऐसे पता लगा है। वैसे बताओ कि तुम चिकन कहाँ खरीद रहे हो? हमारे गांव में एक बड़ा सा पोल्ट्री है जी, आलोकनाथ नाम का एक आदमी है, वो हमें बहुत अच्छा चिकन ही बेचता है, उसी के पास से खरीदता हूँ। मैं जल्द ही इस गांव में बड़ी मात्रा में चिकन का व्यापार करने वाला हूँ, उसमें पार्टनर के रूप में आपको लेने की सोच रहा हूँ। उसमें से 60% मुनाफा मैं लूंगा और 40% मुनाफा तुम्हें दूंगा, ठीक है? हम इतनी मेहनत से व्यापार डेवलप करे तो 7% क्यों लेंगे जी? ऊपर से हमें सिर्फ 40% देंगे, मुझे नहीं पसंद आया जी। निवेश करना कोई छोटी बात नहीं है भाई, एक बार और सोच लो। आपको क्या है जी, एक बार निवेश करते हैं बस, फिर पूरे साल मुझे ही मेहनत करनी होगी ना, फिर हमें ही तो ज्यादा मुनाफा मिलना चाहिए ना। इतना घमंड? हम कॉर्पोरेट ठान ले तो कुछ भी कर सकते हैं। हम गरीब हैं, यही आपका इतना घमंड है ना, लेकिन हम आत्मसम्मान से जीते हैं। ठीक है, देखते हैं, कहकर वहाँ से चले गया। व्यापारी तब आलोकनाथ से मिलकर, देखो आलोकनाथ, मैं तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, हर दिन 200 मुर्गियाँ सप्लाई कर पाओगे? बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन 200 नहीं दे पाऊंगा जी, क्योंकि दिनेश को हर दिन 50-60 मुर्गियाँ भेजता हूँ ना, बच्चे 150 ही दे सकता हूँ। एडजस्ट कर लो आलोक, हम जैसों के साथ व्यापार करना खुश नसीबी की बात है, कभी कभार ही जीवन में इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। कहकर ये वो बातें कहा और उसके दिमाग को अपनी ओर कर लिया। कुछ दिन के बाद एक कस्टमर दिनेश के पास आकर, क्या भाई दिनेश, आजकल तुम्हारे मुर्गी तो बिल्कुल अच्छे नहीं है, स्वादी नहीं है, कहीं तो गलती हो गई होगी जी, मैं देखता हूँ। अगले दिन दिनेश आलोक के पास जाकर, आलोक, आजकल तुम जो मुर्गियाँ बेच रहे हो वो ठीक नहीं है, कहा। वो आजकल मुर्गियों को लूज मोशन हो रहे हैं, खांसी और जुकाम भी होने लगा है। मुर्गी को क्या लूज मोशन होगा भाई, खांसी और जुकाम क्या है, क्या बात कर रहे हो? वो सब तुम छोड़ो, वैसे सिर्फ तुम्हारा एक का व्यापार ही नहीं है, दूसरे नए व्यापार भी मैं कर रहा हूँ, उन्हें भी तो सरफरा करना पड़ता है ना, इसीलिए कभी कभार ऐसे होते रहता है। इतने में व्यापारी वहाँ आया। क्यों भिखारी दिनेश, यहाँ कैसे? ओहो, तो ये सब तुम्हारा किया धरा है, ऊपर से मुझे भिखारी दिनेश कहते हो? ठीक है, अब तुम देखो, अब से मैं तुमसे ज्यादा कमा कर दिखाऊंगा, इस गांव में तुम्हारे शॉप के साथ मेरा शॉप भी बराबरी का व्यापार करके दिखाऊंगा, चैलेंज, कहकर चले गया। अगले दिन व्यापारी पूरे गांव में चिकन शॉप्स ओपन किए। दिनेश हमेशा की तरह अपने दुकान पर ही फ्रेश चिकन ही बेचने लगा। कुछ दिनों बाद व्यापारी के खोले गए शॉप पर कस्टमर, क्या भाई, हमेशा तुम्हारे मुर्गियों से बदबू आती रहती है, हमसे नहीं हो पा रहा है, बच्चे खाए तो उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। पता नहीं सर, वो सब हमें नहीं पता, नेक्स्ट डे खरीदिए वरना नहीं। आपको क्या लगता है, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, इसीलिए यहाँ आ रहे हैं? कहकर वहाँ से चले गया और दिनेश के दुकान पर आकर चिकन खरीदे। दिनेश, तुम्हारा चिकन एकदम बढ़िया है भाई, कल से तुम्हारे पास से ही खरीदेंगे, कहकर चले गया। इस तरह गांव वाले धीरे धीरे दिनेश की दुकान पर आने लगे। दिनेश भी मिले पैसों से और कई दुकानें बनाया। कुछ समय में गांव भर में कई सारे चिकन शॉप्स ओपन किया। व्यापारी के चिकन शॉप में फ्रेश चिकन नहीं होने के कारण, 1 kg खरीदने पर 1 kg फ्री फ्री फ्री, ऐसे ऑफर्स भी देने लगा, लेकिन कोई नहीं आया। कुछ नहीं कर सका तो व्यापारी के सारे दुकान पे नुकसान हुआ और उसके सारे दुकान को बंद कर दिया। दिनेश अपना क्वालिटी को बचाते हुए धीरे धीरे जिंदगी में आगे बढ़ा। इस तरह एक गरीब चिकन वाला करोड़पति बन गया। कई साल पहले एक गाँव में चंदन नाम का एक मछुआरा हुआ करता था। उसके दो बेटे थे, बबलू गोपाल। बबलू बहुत भुक्खड़ था, हर दिन चिकन मटन ना हो तो गले से निवाला नहीं उतरता था। हर दिन चंदन गोपाल मछलियां पकड़ने जाते थे, लेकिन बबलू को नहीं ले जाते थे। एक दिन बबलू पिताजी से,
क्या पापा, मछलियाँ पकड़ने आप मुझे कभी नहीं ले जाते हो, मैं भी आता हूँ ना। भाई तुम्हें कैसे ले जाएं? हर दिन चिकन मटन खाकर तुम बहुत मोटे हो गए हो, नाव में तुझे ले जाना मुश्किल है, समझो। ऐसे क्यों कह रहे हो भैया, मैं भी आया तो ज्यादा मछली पकड़ सकते ना और ज्यादा पैसे भी कमा सकते हैं ना। तुम्हें ये सबसे क्या है रे, तुम आराम से चिकन और मटन खाकर सो जाना, कहकर वहां से चले गया। उस दिन नाव पर बहुत दूर गए। क्यों रे, इतनी दूर आने पर भी हमें अभी तक बड़ी मछलियां नहीं मिल रही रे। हाँ पिताजी, कब तक यूं ही छोटी छोटी मछलियां पकड़ते रहेंगे, बड़ी मछली पता नहीं कब और कैसे मिलेगी। इस तरह हर दिन निराश होकर घर लौटते थे। घर आकर उनको यूं दुखी देखकर बबलू, क्यों पिताजी इतने दुखी हो? कुछ नहीं हुआ है रे। ओह कम ऑन डैडी, आकर बैठो, आज माँ ने मुर्गा इतना अच्छा बनाया है। रे तुम खाओ रे, पहले ही हम बड़ी मछली कैसे पकड़ना सोच में पड़े हैं, तुम्हें तो खाने की पड़ी है। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना क्यों सोच रहे हो, मुझे एक अवकाश दीजिए, कल तक मैं एक बड़ी मछली पकड़ के लाऊंगा। अगले दिन सुबह बबलू एक बड़ी सी मछली को पकड़कर घर ले आया। वो देखकर चंदन गोपाल हैरान रह गए। क्या दंग रह गए, आज मैं और मेरे दोस्त मिलकर फिशिंग गए थे, वहीं से पकड़ कर लाया हूँ इस बड़ी मछली को। रे सच बताओ, कहाँ से लाए हो, वरना जो हम सब नहीं कर सकते थे वो तुमसे कैसे हो पाया? मुझे चिकन करी दोगे तो बताऊंगा। पिताजी वो जरूर कहीं से यूं ही उठा लाया होगा, उससे खाने के अलावा और कुछ नहीं है पता। रे ठीक है, तुम्हें मैं चिकन करी दिलाऊंगा, कल सुबह हम तीनों मिलकर फिशिंग जाएंगे, अगर तुम बड़ी मछली नहीं पकड़ के दिखाया तो मैं तुम्हें चिकन फ्राई करके खा लूंगा। अगले दिन सुबह तीनों नाव पर निकल गए। बबलू नाव पर बैठकर चिकन खा रहा था। क्या रे बड़ी मछली पकड़ाओगे, सोचा तो तुम इधर बैठ के चिकन खा रहे हो। आप रुको भैया, पहले मुझे आराम से खाने दो, कहकर थोड़ी देर खाने के बाद वो पूरा चिकन समुद्र में डाल दिया। गोपाल को देखकर, अरे पागल, चिकन किलो 250 रुपए का है, तुमने ऐसे कैसे फेंक दिया? बड़ी बड़ी मछलियाँ यूं कब तक इन छोटे मछलियों को खाते रहेंगे, बोर हो गए होंगे, इसलिए मैंने आज उनको चिकन डाला, अब देखो चिकन की महक से वो खुद बखुद आ जाएंगे। बस उसके यूं कहते ही एक बड़ी मछली वहाँ आई। तुरंत बबलू गोपाल चंदन तीनों मिलकर उस बड़ी मछली को बहुत मुश्किल से जाल डालकर पकड़े। मुझे माफ करना मेरा भाई, हर इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, ये मैं नहीं समझ पाया, सॉरी। इट्स ओके भैया। इस तरह वे तीनों उस जायंट फिश को पकड़कर मार्केट में अच्छे ग्राहक को बेच दिए। वो भोनगिर नाम का गांव था। उस गांव में ईश्वर प्रणोय नाम के दो दोस्त हुआ करते थे। वो बचपन से ही बहुत बदमाश मिजाज के लड़के थे। एक बार प्रणोय, अरे बहुत दिन हो गया रे हमें टूर जाके, क्या हम कहीं पे घूमने जाएं? हाँ रे बहुत दिन हो गए, कल हम नालंदा फोर्ट जाएंगे, कहकर अगले दिन वो दोनों गाड़ी में निकले। वैसे कुछ दूर जाने के बाद उसके बचपन का स्कूल फ्रेंड एक दिखने से, हे अशोक कैसा है? ठीक हूँ रे, लगता है दो छिछोरे निकले कहीं घूमने। हाँ रे नालंदा फोर्ट को जा रहे। क्या नालंदा फोर्ट जा रहे हो? अरे भाई वो यहाँ से 2000 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ गाड़ी में जाओगे? क्या हुआ वो 2000 किलोमीटर की दूरी पे, पर मैप में तो नजदीक दिखा रहा है। अरे मैप्स में चाइना भी नजदीक दिखता है, तो क्या तुम चाइना चले जाओगे? जा मेरे भाई जा, चाइना क्या, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, जरूरत पड़ी तो उन चाइना वालों से युद्ध करके भी आ जाएंगे, कहकर वो निकल गए। वैसे कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसका टायर पंचर हो गया। अरे इसे अभी पंचर होना था क्या? वो दोनों एक पंचर शॉप में गए। वहां पंचर शॉप वाले से ईश्वर, भैया टायर पंचर हुआ है, जल्दी उसके बारे में जाके देखो, टाइम लगेगा भाई, बहुत अर्जेंट है भाई,
हमारे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है। ये देखो भाई, तुम लोग कोई युद्ध करने के लिए नहीं जा रहे हो, घबराओ मत, जाके उस कोने में बैठ जाओ, बना के दे दूंगा। वैसे वो दोनों किसी कोने में बैठे तो उन्हें एक जायंट टायर दिखा। प्रणय तब उस टायर को देखकर, अरे ईश्वर देख कितना बड़ा टायर है रे। तो ईश्वर उस टायर को देखकर, हाँ रे ये टायर देखते ही हम बचपन में टायर के साथ खेलते हुए दिन याद आ गए रे। अरे मुझे ये टायर के साथ खेलने को मन कर रहा है रे। मुझे भी मन कर रहा है रे। तो फिर मैं जाके उस टायर में बैठता हूँ, तू टायर को धक्का मार। ईश्वर टायर के अंदर जाके बैठ गया। प्रणय टायर को आगे की ओर ढकेलना शुरू कर दिया। अरे मजा आ गया रे, और ढकेल, और ज्यादा ढकेल, फास्ट फास्ट। प्रणय और तेज टायर को ढकेलने लगा। उतने में प्रणय को फोन आया। अरे यही टाइम पे फोन आना था क्या, कहकर रुक के फोन उठाया। उतने में वो टायर आगे तेजी से निकल गया। अरे प्रणय जल्दी आ रे, क्यों वहां पे रुक गया, ओ माय गॉड, कहकर टायर के पीछे भागने लगा। उस टायर को प्रणय बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करने पर भी वो टायर वैसे एक जंक्शन के ओर जाने लगा। ट्रैफिक पुलिस इतने बड़े टायर को आते हुए देखकर, बाप रे ये क्या, ये मेरी तरफ आ रहा है, कहकर ट्रैफिक पुलिस भागने लगा। लेकिन वो टायर तेजी से आके उस ट्रैफिक पुलिस को टकराया। बात खत्म। ट्रैफिक पुलिस हवा में उड़ते हुए नीचे गिरा। बाप रे मर गया रे मैं, कहकर चिल्लाने लगा। वो टायर वैसे ही आगे बढ़ते हुए ऑटो कार के ऊपर चढ़कर उन्हें पापड़ बनाकर सब बर्बाद कर दिया। पुलिस तब आकर, क्यों रे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे, कहकर उन दोनों को खूब पीटे।